सिटी न्यूज झारखंड व पाए झारखंड की तमाम खबरें। मैं युवा प्रत्याशी मनोज कुमार चौधरी के घर पहुंचा हूं। जानेंगे मनोज चौधरी से कितना विकास हुआ है पंचायत में, कितना रह गया है बाकी, क्यों मुखिया पद के लिए चुनाव मैदान में आए हुए हैं। जी नमस्कार मनोज जी। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है मनोज कुमार चौधरी। किस पद के लिए आप चुनाव में लड़ रहे हैं? मैं मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूँ। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? कर्म संख्या 8 पर है। आपका चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज सेवा। और मैं 2 बार वार्ड सदस्य भी रहा हूँ। वार्ड सदस्य के काम के देखते हुए ग्रामीण जनता सब मिलकर हमको प्रत्याशी बनाया है और सपोर्ट भी कर रहा है कि वार्ड सदस्य रहते हुए इतना विकास किया है तो मुखिया बनेंगे तो और ज़्यादा विकास करेंगे, मतलब पूरे पंचायत का विकास करेंगे। आप चुनाव मैदान में पंचायत के विकास के लिए आए हुए हैं, आप वार्ड सदस्य रहते हुए भी विकास कर सकते थे? जी, विकास मैं किया हूँ। सड़क, स्वास्थ्य विभाग में चाहे जो भी कुछ होता है, रात बिरात सब गांव में सबसे पहले मैं दौड़ कर जाता हूँ। सुख इसी को देखते हुए गांव समाज ने बोले कि 2400 घंटा मेरा कोई दुकान काम नहीं है, सिर्फ समाज सेवा 2400 घंटा मैं उपलब्ध रहता हूँ समाज के लिए। अच्छा, इस 6 साल के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? हम का संतुष्ट होंगे, पूरा गांव समाज कोई भी समाज संतुष्ट नहीं, मतलब विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। विकास होगा तो आप खुद देखिए कि यहाँ के जनप्रतिनिधि एगो सस्पेंड होगा, एगो पर कार्रवाई हुआ है। अगर अच्छा काम रहता तो उनको उस पर उन लोगों पर कार्रवाई क्यों होता? और भी बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उन लोग आपके टक्कर में हैं या नहीं? देखिए, कुछ प्रत्याशी तो लॉटरी लगाने आए हैं और कुछ प्रत्याशी जो है मैंने समझ रहा है कि हम मैंने कौन गए, लेकिन वो जीरो से आऊँ। उन लोग समाज के बीच में कभी रहते नहीं हैं, न रहेंगे, हारेंगे तो अपना दुकान पर बैठ जाएंगे, लेकिन मेरा वो दुकान उकान नहीं है। हमारा जब भी 18 वर्ष की उम्र से मैं राजनीति कर रहा हूँ और 24 घंटा गरीबों के बीच में सुख हो दुख में सबसे पहले दौड़ कर जाता है। आपको अगर जनता का समर्थन प्राप्त होता है, आप चुनाव जीत जाते हैं, तो पहला प्राथमिकता आपका क्या रहेगा? क्या विकास कीजिएगा पंचायत वासियों के लिए? सबसे पहला प्राथमिकता, सबसे पहले मैं जो भी हर वार्ड में कमेटी रहेगा, कमेटी के जो भी सबसे उचित काम होगा, मैं अपना मन से काम नहीं करूँगा। जो सबसे जनहित में काम होगा उस पर काम करूँगा। सबसे पहले जन वितरण पर मैं ग्राम सोहरिया के लिए पूर्व के प्रत्याशी घोषणा किए थे कि हम 13 वार्ड में जन वितरण बनाऊंगा और जन वितरण में जितना भ्रष्टाचार हुआ आज तक कोई प्रत्याशी या हो जाए और पूर्व में जो भी हारे भी प्रत्याशी उन लोग भी आवाज़ नहीं उठाया, सिर्फ आवाज़ उठाया तब मैं मनोज चौधरी उठाया। आवाज तक जो भी होता है विकास के काम में सबसे पहले हम दौड़ कर चाहे जो भी विरोधी बन के हम काम किए, मतलब आप चुनाव जीतते हैं तो पहला प्राथमिकता रहेगा जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त करना, गरीबों के बीच में अनाज को सुचारू रूप से खाद्यान्न को वितरण कराना आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी? जी एकदम पहली प्राथमिकता रहेगी। और वैसा कुछ जो मतलब आपके मन में कसौटता है कि हम वार्ड सदस्य रहते हुए नहीं कर पाए, मुखिया बन जाएंगे तो करेंगे, अपने तरफ से क्या कुछ करना चाहेंगे आप? ग्राम सोहरिया में है शमशान घाट, सबको वहीं जाना है, लेकिन डगमग रास्ता से सब आदमी जाता है, उस समय आंसू निकल जाते हैं। इसलिए हम 2 नंबर में हम शमशान घाट के रोड बनाएंगे। अगर हारेंगे ना तो भी हम चांदा करके गांव वाला से उस पर भी हम काम करूँगा। बहुत अच्छी बात है, आपने कहा अगर चुनाव हारते भी हैं तो हम पहली प्राथमिकता, चूँकि
एक अंतिम सत्य है कि सभी को शमशान जाना है, तो आप शमशान घाट का रोड बनवाएंगे जरूर पंचायत वासियों के लिए। आप और अपने मन से इस चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही कर रहा हूँ कि मेरा ग्रुप साफ है क्रम संख्या 8 पर, भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। और जो भी अगर ईमानदारी पूर्वक से हम काम करूँगा, जो भी हर वार्ड में हर जनता से सबसे राय लूँगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ क्या है, वही आधार पर मैं काम करूँगा, अपना मन से एक भी काम नहीं करूँगा। देखिए एक बात तो है मनोज जी कि कोई भी प्रतिनिधि या प्रत्याशी मैदान में आते हैं तो बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन आप इसकी क्या गारंटी देंगे कि चुनाव जीतने के बाद आप सारे वादों को पूरा करेंगे? जनता के लिए आप क्या मतलब वैसा उनको वो दीजिएगा आश्वासन कि हम जीतने के बाद काम करेंगे आपके हित के लिए? सबसे पहले प्रत्याशी चाहे कोई हो, समय देने वाला प्रत्याशी चाहिए। गरीब आदमी के बड़ा बड़ा कोनो नहीं नौकरी नहीं मांगते हैं, गरीब आदमी के चाहिए राशन, किराशन, वृद्धा पेंशन, आवास, इस छोड़ा के बाकी कोई कुछ नहीं मांगता है, खिगदारी नहीं मांगता है। इस विषय पर सबसे पहले हम करें जी। आप लोगों ने सुना कि मनोज चौधरी जीत जाते हैं तो जनता के बीच में रहेंगे, गरीब गुरबा के आवाज़ बनकर आवाज़ उनका बुलंद करके ब्लॉक में रखेंगे, और जो भी सरकारी सुविधा होगी उसको जनता के बीच में लाएंगे, चौपाल लगाकर उसका निदान करेंगे। मैं कैमरामैन रंजीत के साथ विवेकानंद चौबे, सिटी न्यूज झारखंड।